मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपना नॉमिनेशन वगैरह सब चीज जो है वो हो चुकी है भाई फाइनल। भैया ये देख लो घर आज कहाँ है, आगे कहाँ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आपका भाई गौरव डेडा फिर एक बार आपके सामने आते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। सो सभी बड़े छोटे को मेरी तरफ से राम राम जी। सो भाई होप करता हूँ आपको लास्ट व्लॉग जो मेरा एनिवर्सरी वाला था वो आपको पसंद आया हो, जो चिच्चे की एनिवर्सरी का व्लॉग था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो भाई प्लीज़ जा कर के देखो, बहुत बढ़िया एकदम फुल एंटरटेनिंग वाला व्लॉग है। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें। फिलहाल मैं जा रहा हूँ यानो को लेने के लिए, तो फटाफट से पहुंचते हैं स्कूल और यानो को पिकअप करते हैं। हमारे साथ जुड़ गया है अब यानो। तो कैसा रहा भाई आज का दिन आपका? अच्छा रहा, लेकिन मेरे पर किसने मार दिया? युवान त्यागी को आपको आपने युवान त्यागी को मारा और वो डर गया? वो पहले ही डर गया। अच्छा, बट ये तो गलत बात है ना किसी को मारना। तो फिर वो क्यों मार रहा था फिर? मतलब तो आप मैम को बोल रहे थे? मैम को नहीं बोल रहा था, मेरे को भी उसको मारना। पूरा तेरी है तो गलत बात है बेटा, आगे से ऐसे किसी को मारते नहीं है। ठीक है ना? चलो भाई यानो को भी ले लिया है हमने अपने साथ में और फटाफट से अब घर पहुंचेंगे। उसके बाद जो अपना प्लान है आज का वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी पहले यानो को लेकर के घर पहुंचते हैं। भैया ये देख लो घर आज कहाँ है, आगे कहाँ है। ए देखो भाई घर में भीतर घुस गई। हेलो देख रहा स्टूल पर चढ़ के देख रहा कौन है? कौन है? कौन है? ओ तेरी भगा दे इसको। बोल दे मांगा मांगा। भाई घर से निकल चुका था और अभी मैं जा रहा हूँ अपना शाहबाद तक। तो फिलहाल अभी एक स्टॉप लिया अपना उधर ट्रिपल सी पर, वहाँ पर अपना कुछ ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर कर देते कल ही कॉल करके, तो वो पिक करना है। दिन में निकले थे भाई और रात हो गए, देख लो। हमें अपने ससुराल पहुँचना था आज और दिन से निकले हुए रात हो गई है। आज हमारे घर में गाय बट गई ना वहाँ निकालने में टाइम चला हुआ ज़्यादा तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं आज अपने ससुराल। तो चलते हैं भाई, लाल जी अपने ससुराल आ चुके ऊपर, तो चलते हैं अंदर की तरफ में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और कल भाई अपना थोड़ा सा उधर व्लॉग शूट नहीं हो पाया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए थे वहाँ पर और फिर लेट नाइट आए थे रात को, तो इस वजह से अपना व्लॉग जो है कल पूरा शूट नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, अभी से कंटिन्यू करेंगे और जो हमारी बची हुई बातें उनको भी आज पूरी करेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं अभी जिम के लिए और जिम से आने के बाद फिर देखते हैं कुछ प्लान। अगर आज का मन में तो है यार, बट कई बार होता है ना कुछ चीज़ सोचते हैं तो वो हो नहीं पाती है, तो जब तक हो नहीं पाएगी तब तक मैं कह नहीं सकता। बाकी फ़िलहाल अभी जिम चलते हैं, जिम से आने के बाद डिसाइड करेंगे कैसे कैसे क्या क्या प्लानिंग करनी है आज की। फाइनली पहुंच चुके हैं अपना कल्पित अपना जिम। तो भाई फाइनली हमारा वर्कआउट जो है वो हो चुका है कंप्लीट। तो भाई आगे क्या प्लान है? चल रहे हो फिर बताओ पक्का? देख लो कभी घर जाते हो कहने लगो कि भाई तेरी भाभी मना कर रही है। 1 बजे? हाँ भाई, 1 बजे तो ज्यादा हो जाएगा, धूप गर्मी भी तो ज्यादा हो रही है। सर ये सही कह रहा है, तो कतई रथ लेकर आएंगे तो।
सो टाइम हो रहा है भाई 2:29 ऑलमोस्ट बज चुके हैं ढाई, तो हम निकल चुके हैं अपना घर से गुड़गांव जाने के लिए। ये भाई आ चुके हैं हमारे साथ में कुंदन भाई, यह देख लो फुल चश्मे उसमें लगा कर लौंडा सर, अब पीछे देख लो हमारे मैनेजर साहब बैठे हैं, ये सारा हमारा लैपटॉप लेके बैठे हैं, हमारे डिसाइड करते रहे कहाँ कहाँ जाना कहाँ कहाँ नहीं, जहाँ जहाँ हमारी मीटिंग है सारी देखते रहेंगे आज ये हाँ हमारी मीटिंग सारी इनके हवाले हमारे और हम निकल चुके अपने घर से। सब भाई घर से निकल के नोएडा पहुंचे, पूरा प्लान जो है वो हो चुका भाई स्टॉपेड, तो इसका वाला आप समझ ही गए होगा कि भाई हम गुड़गांव नहीं जा रहे हैं। तो कुंदन भाई कैसे करें भाई, अब घर चले हैं या क्या करें? ना घर को नहीं चलेंगे, निकल के तो निकल गए, अब चल रहे हैं हम नोएडा डीएलएफ मॉल में। तो नोएडा तो है ही, नोएडा में आ गए ना, और डीएलएफ मॉल में वो है बर्फ वाला वो। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ जो माइनस डिग्री टेम्परेचर रहता है, जो भी है पता नहीं माइनस डिग्री है पता नहीं कौन सा, चलो वो भी चल रहे कोई दिक्कत नहीं, फुल टू स्नो और उसके अंदर हम एक्टिविटीज करेंगे अच्छी वाली, मनाली का फील लेंगे। ओ बेटे 40 डिग्री टेम्परेचर में और पीधा माइनस में पहुंच जाएगा लौंडा आधा, कुंदन भाई को बर्फ में नला देंगे वहीं पे भाई उहा हा हा करने लगे वहां पे। फाइनली हम आ चुके हैं डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, अब भाई घर से निकल चुके थे तो यार कुछ ना कुछ तो अपना इंजॉयमेंट करना ही था ना, आज जब इंजॉयमेंट के लिए निकले थे तो इसलिए हमने प्लान किया डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया चलते हैं। और इसमें ना एक भाई स्नो पॉइंट है, उसका नाम मेरे को पूरी तरह से पता नहीं है क्या नाम है क्या नहीं, चलते हैं भाई अभी वहाँ पे, फिर नाम भी बता देंगे आप है और अंदर की जगह भी दिखा देंगे आपको। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अपने जो फादर इन लॉ ससुर जी है उनकी हो चुकी है भाई बीजेपी से टिकट, तो भाई अब लड़ेंगे चुनाव और कुछ दिन हम भी उसमें व्यस्त रहेंगे अपना पूरा, तो अपना नॉमिनेशन वगैरह सब चीज़ जो है वो हो चुकी है भाई फाइनल, अब सीधा भाई प्रचार के बारे शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल आज इंजॉयमेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं जब जब टाइम मिलेगा आपके लिए व्लॉग भी डालते रहेंगे। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दिया, ले लो चश्मा ले लो। तो भाई आज हमारे साथ टोटल सीन पे सीन हुए जा रहे हैं, अभी ऊपर गए उन्होंने बोला कि भाई आपको 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्लॉट होते हैं टाइम के, तो अभी जो स्लॉट चल रहा है वो चल रहा है भाई 2 से 3:30 वाला, 2 से 3:30 का स्लॉट चल रहा है अभी, तो 4 बजे इसमें ऑन होगा दोबारा से, तो इसलिए भाई आज हमारे साथ यहाँ भी पूरी मना ही मना हो रही है, तब तो कुछ और देख लेते हैं आज, एक काम करते क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और भी 2-4 गेम जो वो कर लेते हैं। चलो भाई मेरे पास एक और गेम है तुम्हारे लिए, कोई नहीं मैच में चलते हैं, तो गेमिंग करते हैं, हाल गेमिंग करते हैं, और एक मेरे पास एक गेम है अगर वो देखो अभी अवेलेबल होगा तो वो मैं दिखाता हूँ, ऑप्शन गेम है, चलो तो उसे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट आपके लिए जरूर दिखाएंगे भाई, बढ़िया वाला ब्लॉग बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलते हैं भाई आपको फुल इंटरटेनमेंट मिलेगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो फाइनली भाई अपना कार्ड जो है वो बन चुका है और अपना हमने इसमें भाई 3,500 रुपये का रिचार्ज कराया है, इसी के साथ इसमें अंदर गेमिंग वगैरह जो भी चूज करते रहेंगे वो बैलेंस लेस होता रहेगा, और स्टार्टिंग है तो कार्ड बनने के 1,000 रुपये से स्टार्टिंग है और लास्ट जो 15,000 रुपये तक का आप इसमें कार्ड बनवा सकते हो अगर आप इस मैच में आ रहे हो। तो चलते भाई फटाफट से बॉलिंग के लिए, हमने पहला ट्राई किया है तो बॉलिंग करते चल के। भाई डिस्प्ले पे अपना नाम हो चुके हैं, तो कुंदन लाला गौरव YT9700 गुप्ता जी, कोई बात नहीं 700 कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जो तुम करवा दो वो बढ़िया। ये देख लो जी गुप्ता जी की बॉलिंग हो चुकी है, पहली आउट पहली बार ही बाहर, देख सब अपना घर में तो अभी वीडियो बनो घर में तो कर ये भैया, ओ तेरी ओरे भाई एक गया भाई ना अगला घर पे जाओ, तू कितने मारता है नहीं तेरे को देखते देख लिया, हाँ देखते हैं हाहाहाहा
करो तो बालक होगा ना। द्वारा कोशिश करते हुए कि ये बचे हुए पांच छह हैं इन्हें भी गिरा देंगे, देखते हैं। लेकिन ये ब्लैंक जाते हुए ये भैया दोनों आप अपने कुत्ते हैं। कुत्ता जी कितना वो देख के तो कितना आराम से भाग रहे हैं। कुत्ता जी, कुत्ता जी कितना ही तो भाई बॉलिंग का गेम खत्म होता हुआ और स्कोर हमारा देख लो भाई 74 पॉइंट के साथ में गौरव 59.70 64 नंबर पे गुप्ता जी, तीसरे नंबर पे सुंदर भाई। तो भाई अब बॉलिंग हो चुकी है डन और अब भाई अपना खेले क्रिकेट। ओ भैया हेलो, पैड वैड पहले का दी हाँ वो टाइप पावे है। ये जो रिंकू सिंह है ना मेरे पास बेटिए। तो भाई अपना कार्ड हो चुका डन और टोकन मिल चुका, क्रिकेट खेलेंगे। चार ओवर मिल रहे हैं भाई 600 रुपये में, तो 600 रुपये का चार ओवर इंजॉय करते हैं। पहली बैटिंग कर रहे हैं हमारे पवन भाई और आज तुम्हारा भाई बैटिंग करके दिखाएगा तुम्हें बेटा। सहवाग वाली बैटिंग है तेरे भाई की, हल्का में ले रहा है क्या भाई को? वो कोचिंग जो दी है ना वो मैंने ही दी है। चल अब मार के दिखा, देखेंगे तेरी कोचिंग। हमारा जो कार्ड में 800 रुपये का उसमें कूपन है, वाउचर दे दो। चार मार दे लौंडे ने, चार आप बेटे, आप बेटे मेरे भाई, फिर चार रन। क्या बात है, कोई मौका नहीं प्लेयर के पास, सीधा चार रन के लिए बॉल जाते हुए बेटा 8 रन और ये फिर भाई साहब हवा में गेंद, कोई फिल्टर मौजूद नहीं, सीधा 4 रन के लिए बॉल। क्या बात है भाई, क्या बात है। ओए गोली, 4 रन। ओए 6 रन। ओए 4 मार दिया, 4। ये कुंदन भाई बैटिंग करते हुए और पहली बॉल, और ये भाई पहली बॉल मिस। तुम्हारी उम्र होगी घर बैठे हो। तीसरी बॉल आती हुई और ये ओ और ये हमारे गौरव डेडा 9700 रोलर कोस्टर की राइड लेते हुए। पवन भाई हाँ जी, कहाँ बैठा दिए? अभी दिखेगा आपको बिल्कुल कहाँ बैठे हो, ऐसा लग रही है हवा में हूँ मैं। अभी हवा में कहाँ हो, अभी तो हवा में आओगे तो भाई मेरे 90 सेकंड के लिए आओगे तुम अभी हवा में। भाई साहब अंदर तो पूरे फुटकार उड़ रहे, क्या हुआ? ऐसा
रहा है पूरा, ये एरिया है गेमिंग का सारा। इधर क्रिकेट का है ये, यहाँ क्रिकेट चल रहा है, उधर बॉलिंग चल रहा है, और इधर अपना सारा ये खाने पीने का एरिया होगा। क्या बात है, हाँ लड़के लहर लहर खाना कहीं मंगा लेते हैं, मंगा लीजिए भाई, मौज टना है, नींबू पानी है तो भैया अपने मौज टो एंजॉय करते हैं। खाने पीने के लिए इन्होंने कुछ ऑर्डर ही ना करा, भूखा मार रहे हैं हमें। और तो भाई कैसा मजा रहा आपका? अरे बहुत मजा आ गया, आप बेटे कैसा होता कूद कूद का दौड़ रहा था तैयार में एकदम से एनर्जी भर गई। तो भैया आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास में। और भाई लेकिन एक बात बताओ, हाँ? आज हम आए ऑफ रोडिंग के लिए, वो प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर हम आए DLF स्नो देखने के लिए, वो भी हमारा कैंसिल हो गया, लेकिन अल्टीमेटली जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। और मेरे जो होता क्या था अच्छे, हर ब्लॉग में क्या था तो जो होता अच्छे के लिए होता है, तो यहाँ पे भी मैं इस चीज को दोबारा कहूंगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या पता भाई हमारा कुछ मजा नहीं आता है, सौ चीजें वही बंद होता है उधर। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। नहीं सीरियसली यार भाई मजा आ गया अंदर।